ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है दिए गए सॉल्यूशन में। कोई सॉल्यूशन है जैसे कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन है शुगर प्लस वाटर का, शुगर प्लस वाटर का, तो ये 1 लीटर का है, तो इसमें शुगर कितना मात्रा में है ये हमको बताता है कॉन्सेंट्रेशन। टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकंड इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू हैव लो कॉन्सेंट्रेशन। वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वह कम मात्रा में रहता है, स्मॉल अमाउंट में रहता है, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है? और द सॉल्यूशन हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। और यदि सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि वह उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई है। हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि हम 2 गिलास लेते हैं, ये 2 गिलास लिए और ये दोनों गिलास में हमने वाटर ले लिया, दोनों गिलास में वाटर लिया, और इस 1 गिलास में, इस फर्स्ट गिलास में हमने 2 स्पून फुल ऑफ शुगर डाले, और इसमें मैं 8 स्पून फुल ऑफ शुगर डाले, 8 चम्मच भर करके चीनी मैंने इसमें डाला और डाल करके मिक्स कर दिया। इस दोनों का दोनों क्या है? वाटर है, और इस दोनों वाटर में हमने स्पून डाला, शुगर डाला, इसमें डाला, इस ए पिक्चर में डाला 2 स्पून फुल और बी पिक्चर में डाला 8 स्पून फुल ऑफ शुगर। अब आप हमारे को बताइए इन दोनों को देखने के बाद कि ए डाइल्यूट है कि बी डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट कौन है? ए है। ए हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन है? यह जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट है। क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन है? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वह लो है ना। क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। लो कॉन्सेंट्रेशन क्यों है? क्योंकि लो इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर हम लोग देखें और कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि बी वाला जो है वह कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस है और ए वाला जो है वह हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्लियर? The concentration of a solution can be expressed in a number of different ways. और concentration of solutions को हम लोग अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। The most common way of expressing the concentration of solution is the percentage method. सबसे common way होता है हमारा percentage method, कि कितना percent हमारा concentration है। The percentage method of expressing the concentration of a solution refers to the percentage of solute. Percentage method यह बताता है कि कितना percent solute है present solution में। Solution में how much percent of solute present in solution. The percentage of solute can be by mass or by volume. और ये percentage of solute को हम लोग by mass भी बोल सकते हैं या by volume भी बोल सकते हैं। The concentration of a solution is defined as the, इसलिए concentration of solution को define किया गया, mass of solute in grams, mass of solute in grams present in 100 grams of the solution. 100 gram solution में कितना mass of solute present है in gram. For example, हम लोग कह सकते हैं 10% solution of common salt. 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट का मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
क्लियर। 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। दैट मींस 10 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्ट है, और प्लस 100 ग्राम आपका क्या है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो प्लस 90 ग्राम आपका हो गया वाटर हो गया सॉल्वेंट, और ये दोनों मिल करके बना दिया 100 ग्राम। इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, 100 ग्राम के वाटर सॉल्ट मिक्सचर में 10 ग्राम हमारा सॉल्ट है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। यह फॉर्मूला हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, और द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस द मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, और दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम वन, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ सुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन, एक सुगर जो है 30 ग्राम, वो डिजॉल्व है किसमें, 370 ग्राम वाटर में। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वही लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अब हम निकाल ले, और मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हम लोग जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 370 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 400 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे को 400 ग्राम। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसमें हम सब वैल्यू पुट करें और कंसंट्रेशन निकालें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है 30 ग्राम ऑफ सुगर, तो 30 ग्राम ऊपर बटा में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400 ग्राम, तो 400 ग्राम नीचे इनटू 100, क्लियर है। 00 से 00 कटा, बाकी फिर इसे काटेंगे 4 से 30 को, तो आपको आ जाएगा 7.5%। दैट मींस 7.5% सुगर इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, यानी कहने का हुआ अर्थ हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सुगर, दिस सुगर इन सॉल्यूशन इज 7.5% आंसर, क्लियर। प्रॉब्लम टू, इफ
110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 110 ग्राम, और प्रेजेंट इन 510 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट है किसमें 510 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 550 ग्राम। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर फॉर्मूला हमें मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, याद है ना सभी को, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट है 110 बाय 550, दोनों ग्राम में है, ठीक है, दोनों एक ही यूनिट में रहना चाहिए, इनटू 100। अब ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये 5 से 20 कट जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 20%, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 20% आ गया। दिस मींस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉल्यूशन इज 20%। हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज 20% आंसर। क्लियर। ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, अब हम लोग देखते हैं लिक्विड सॉल्यूट को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, दोनों हमारा जब लिक्विड ही हो तब, इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट देन वी यूजुअली कंसीडर द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जब हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। इन डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन किया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना मिलीलीटर सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसे ही हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अ 20% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल मींस दैट ऑफ 20 मिलीलीटर्स ऑफ अल्कोहल आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हुआ कि 20% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, यदि हम लोग बोल रहे हैं कि अल्कोहल का ये जो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन जो है वो 20% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल है, इसका मीनिंग हुआ कि 20 मिलीलीटर अल्कोहल प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। दैट मींस अगर हम कहते हैं 20% ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल प्लस 80 मिलीलीटर ऑफ आपका क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, दैट इज वाटर, दैट इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग कहते हैं क्या कि भाई इस 100 ml सॉल्यूशन इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो 20% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल है, इसका कंसंट्रेशन क्या है 20% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, यही इसका कंसंट्रेशन है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वन, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड विथ 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस
सॉल्यूशन 50 ml अल्कोहल को 150 ml वाटर से मिलाया गया तो बताइए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे ही हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें जो नहीं मालूम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 50 ml, 50 ml अल्कोहल है, 50 ml प्लस, और सॉल्वेंट कितना है, 150 ml वाटर है। तो 150 ml दोनों ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 200 ml। तो 200 ml हमको आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वैल्यू पुट करें और कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारे को 50 ml बाई, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे को कितना हो गया, 200 ml इनटू आपको 100। क्लियर है, 00 से 00, 2 से 50 कट गया, 25, दैट मीन्स कितना आ गया, 25% बाई वॉल्यूम, यानी कंसंट्रेशन कितना हो गया, 25% बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के अनुसार आंसर। अब देखिए हम लोग प्रॉब्लम 2 देखते हैं। इफ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, 2 ml ऑफ एसीटोन प्रेजेंट है किसमें, 45 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में, तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां हमारे को दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना है, 2 ml, और 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 45 ml। हमें निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दे, 2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया 2 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 45 ml इनटू 100। क्लियर है, अब हम लोग इसको हल करेंगे, है ना। तो हल करते हैं तो हमारे को ये आ जाएगा, ऊपर हमारे को हो गया मल्टीप्लाई किए 900, नीचे हो गया 200 बाई 45 में डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 4.4, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 4.4%, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन सॉल्यूशन इज 4.4%, कंसंट्रेशन ऑफ
एसीटोन सॉल्यूशन इज 4.4% आंसर। क्लियर।